किसानों ने बंद का आह्वान किया। देश में 4 घंटे के बंद को लेकर अपने अपने दावे हैं। विपक्ष कह रहा है बंद सफल, सरकार कह रही है बंद असफल। असर बेअसर, सफल असफल के बीच बंद झूल रहा है, ठीक उसी तरह जैसे बातचीत के बीच किसान झूल रहा है। जिसको लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। देश का सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कुछ देर में किसानों की गृह मंत्री अमित शाह से होगी मुलाकात। अमित शाह से मुलाकात करेंगे किसान नेता, 13 किसान नेता अमित शाह से करेंगे मुलाकात और चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार क्या सोच रही है। कृषि कानून को लेकर होगी बात, बीच का कोई रास्ता नहीं मंजूर। किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े, शाह से हाँ या ना, यानी कि यस और नो में जवाब मांगेंगे। इस पर ताजा जानकारी और आखिर गृह मंत्री के घर के बाहर क्या हलचल है, कितने किसान नेता वहां पर बातचीत के लिए पहुंच गए हैं, आइए सीधा हम आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र, कल छठे दौर की बातचीत, उससे पहले गृह मंत्री के साथ बातचीत, कहानी बहुत कुछ कहती है। देखिए, बिल्कुल कहानी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि 5 दौर की वार्ता जो हुई है किसान और किसान संगठनों और सरकार के बीच में, वो बेनतीजा रही है। तो छठवें दौर की जो बात है, जो वार्ता होनी है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन उससे जस्ट पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यहाँ बैठक बुला ली, क्योंकि अभी तक अमित शाह पर्दे के पीछे जो दूसरी मीटिंग है, जो सरकार की तरफ से मीटिंगें चल रही थी, वो उसमें जरूर शामिल थे, लेकिन किसानों के साथ किसी भी मीटिंग में वो शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में अब अचानक एक तरह से किसान संगठनों के नेताओं को अमित शाह के द्वारा बुलाना, उनके साथ मीटिंग करना, तो साफ तौर पर दर्शाता है कि अब अमित शाह बड़ी भूमिका में सामने आएंगे। एक तरह से उन्होंने इस आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, उनसे वार्ता करने का जो मीटिंग का जो दौर है, उसका नेतृत्व अमित शाह करेंगे। कि मीटिंग कल जरूर होगी, लेकिन मोटा मोटा मसौदा, जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव जो तैयार किया जाएगा, वो आज साझा कर लिया जाएगा, उस पर किसान नेताओं की राय जान ली जाएगी, और अपना रुख भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बता दिया जाएगा कि सरकार किस हद तक लचीला रुख अपना सकती है, और उसमें अगर आपत्ति है तो आप अभी बता दें, उसी हिसाब से मसौदे में जितना चेंज किया जा सकता है, वो अमित शाह की तरफ से किसान नेताओं को बता दिया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है और सहमति बन जाती है, तो कल की जो बैठक होगी, वो महज औपचारिकताएं पूरी करने वाली होगी। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, इसमें सहमति बनती नहीं बनती है, ये कल की बैठक किस आधार पर होगी, किस माहौल में होगी, वो आज की इस बैठक में तय किया जाएगा, और काफी हद तक उस पर डिपेंड भी करेगा। तो ये अमित शाह का जो आप देख सकते हैं यहाँ, ये सामने घर है उनका, अब से कुछ ही देर में जो किसान संगठनों के नेता हैं वो आने वाले, और ये भी वो किसान संगठन के नेता हैं जो जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। 5 राज्यों के 8 अलग अलग किसान संगठनों से करीब 13 नाम हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, जिनके साथ अमित शाह रूबरू होंगे, और जो प्रस्ताव तैयार किया गया है सरकार की तरफ से कल की बैठक के लिए, उस प्रस्ताव के बारे में जानकारी देंगे। हालांकि मनीष, पहले केवल 5 किसान नेताओं को बुलाया जाना था, लेकिन बाद में सहमति 13 नामों पर बनी है, और अब वो 13 लोग अब से कुछ ही देर में, अभी करीबन 15 से 20 मिनट और लगेगा जब वो यहाँ पहुंच पाएंगे, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक शुरू होगी। जी यतेंद्र, एक छोटा सा जवाब, हालांकि आप नजर बनाए रखना, क्योंकि इस बैठक पे जी हां, बंद के बाद ये सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है। मेरा आपसे सवाल है, क्या सरकार किसान नेताओं के बीच में फूट डालने में कामयाब हो गई है? देखिए, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह सामने आए हैं और उनकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि वो बात करेंगे, लेकिन केवल 5 नेताओं के साथ, बाद में सहमति बनते बनते वो 13 नाम आ गए, और साफ आप देख सकते हैं मनीष कि 40 लोग आते हैं जब भी सरकार के साथ मीटिंग होती है। जो 5 दौर की जो वार्ता चली है, उसमें करीबन 35 से 40 किसान नेता रहे, इसमें महज 13 नाम बुलाए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार की जो रणनीति है, वो कम नेताओं के साथ अपनी बात मजबूती से रखने की है, उन्हें
हैं, दूसरे नेताओं से अलग करके अगर तेरे नाम भी छाटे गए तो कहीं ना कहीं सरकार की रणनीति जो आप कह रहे हैं वो शायद वही हो सकती है, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं है इन किसान संगठनों के, अगर हम सूत्रों की माने जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं, हालांकि वो किसानों की समस्याएं उनको समझने के लिए लगातार लगातार आपके पास आते रहेंगे। यतिन, ताजा जानकारी ताजा अपडेट के लिए, आज किसान आंदोलन का सबसे अहम दिन रहा। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने भारत बंद किया, लेकिन किसानों के विरोध प्रदर्शन से ज्यादा आज के दिन सियासी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे पहले 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर दिल्ली में आपके प्रदर्शन की है, किसानों के बंद में दिल्ली में आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर दिल्ली के ITO की है, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र में मुंबई की है, जहां किसानों के साथ NCP के नेताओं ने भारत बंद के दौरान धरना दिया। UP के प्रयागराज में SP के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया, तो बिहार के जहानाबाद में RJD के कार्यकर्ताओं ने भी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। हैदराबाद में TRS के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान TMC के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर आ गए और उन्होंने रेलवे आवाजाही को बाधित किया। इसके अलावा बेंगलुरु में भी प्रदर्शन हुआ। ये तो आज की तस्वीरें थी, लेकिन अब किसानों की कल सरकार के साथ फिर एक बार बातचीत होनी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अब तक किसानों और सरकार में कितने दौर की बातचीत हुई और आखिर उसका नतीजा क्या निकला। पहला दौर 14 अक्टूबर बैठक का बहिष्कार, दूसरा दौर 13 नवंबर बेनतीजा रही बातचीत, तीसरा दौर 1 दिसंबर फिर एक बार बेनतीजा रही बातचीत, चौथा दौर 3 दिसंबर फिर एक बार बातचीत ठन ठन गोपाल, कुछ न निकला, पांचवा दौर 5 दिसंबर जी अब 5 घंटे चली बैठक बेनतीजा, छठा दौर 9 दिसंबर यानी कि कल। कल क्या बनेगी बात सरकार और किसान नेताओं के बीच, लेकिन उससे पहले आज देश के गृह मंत्री कर रहे हैं चुनिंदा 13 से 14 किसानों से बात। जी आखिर कृषि कानून को लेकर जी हां पहले दौर में क्या हुआ। कल दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पर गए और आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर आज एक ऐसा आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस और आम नेताओं में बवाल शुरू हो गया। आपका कहना था कि दिल्ली पुलिस ने CM केजरीवाल को नजरबंद किया है और ये सब गृह मंत्रालय के इशारे पर हुआ, लेकिन इन आरोपों के कुछ देर बाद ही अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने किसानों से मिलने जाने की बात कही थी, इसलिए उनके घर के बाहर पुलिस लगाई गई और उन्हें किसानों से मिलने से रोका गया। साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि किसान आंदोलन को रोकने के लिए उन पर भारी दबाव बनाया गया। दोस्तों, आज मेरा भी मन था, मैंने भी प्लान कर रखा था कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बनके नहीं, एक आम आदमी बनके बॉर्डर पे जाऊंगा और आधा पौना घंटा अपना उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। आज ये मैंने प्लान कर रखा था, मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चली है, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, घर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि ये आंदोलन, देश का आंदोलन सफल हो और ये बहुत सफल हो। जी हाँ, ऐसा लगता है कि लगातार 13 दिन से जारी ये किसान आंदोलन को लेकर हुकूमत-ए-हिंद गंभीर है। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में चिर परिचित चेहरे, सियासी मेहमान और उसके साथ साथ किसान नेता भी हमारे साथ हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, जाना पहचाना चेहरा, जी हाँ, किसानों की हक की लड़ाई लगातार पिछले 3 दशकों से लड़ने वाले महाराष्ट्र के किसान नेता किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। जी हाँ, आप यवतमाल से आते हैं और आपकी किसानों को लेकर, किसानों के हक के लिए हमेशा आपने आवाज बुलंद की है। हमारे साथ
महाराष्ट्र से कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे जी हां किशोर हैं और इनकी बात करने में बेबाकी भी है, अपने अंदाज में बात करते हैं। लेकिन आज अतुल जी आपके साथ जो सरकार में सहभागी है एनसीपी शरद पवार जी की उन चिट्ठियों पर भी बात होगी जो 2010 और 2011 में उन्होंने लिखी थी। मेरे साथ इम्तियाज अहमद अंसारी साहब जी, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं, आपसे भी चर्चा होगी कि आखिर आज जो संवाद की बात हो रही है क्या ये भारत बंद के बाद सरकार को समझ आया कि अब बात कर लेनी चाहिए, सीधी 1-to-1 बात होनी चाहिए। जी हाँ, टकराव नहीं टॉक होना चाहिए। हमारे साथ रामपाल जाट साहब आप किसान नेता हैं, अध्यक्ष हैं आप किसान महासभा के। सबसे पहले मैं किशोर जी आपके पास आना चाहूंगा। किशोर तिवारी जी, भारत बंद के बाद सरकार को लगा कि संवाद कर लेना चाहिए, तेरी भी वाह मेरी भी वाह, पांचवें दौर की बातचीत नहीं हुई, किसानों का आंदोलन भी हो गया, भारत बंद भी हो गया, आज बातचीत, कल छठे दौर की बातचीत। नहीं नहीं, कैसा हुआ है कि सकारात्मक ढंग से सरकार ने लिया है तो ये अच्छी बात है। क्या हो रहा है, क्योंकि किसानों का आंदोलन था और पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको सपोर्ट किया था। किसान नेताओं ने कहा था कि अपनी अपनी पार्टियों के झंडे घर रख के आना, लेकिन अब इतना बड़ा आंदोलन है तो पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने ढंग से अपनी रोटियां सेकेंगी, उसको कुछ लेना देना नहीं। अब मुद्दा कैसा है कि ये तीन कानून है, जिसमें एक एपीएमसी का कानून है, दूसरा इसका कानून है, मंडियों का कानून था, और भंडारण का कानून है, दूसरा कारपोरेट खेती का है। बात में ऐसी है कि पहले बिंदु बड़े वो थे, सबसे बड़ी बात है कि मंडियां डिजॉल्व हो जाएगी तो पंजाब में जो गेहूं चावल है वो सरकार कैसे खरीदेगी, प्राइवेट में जाएगा तो उसमें एमएसपी नहीं मिलेगी, तो उसके प्रावधान को लेके बड़ा वो है, क्योंकि ये अध्यादेश के थ्रू आए हुए तीनों कानून है। तो किसानों में ये बात दिमाग में बढ़ गई है कि सरकार जो देती है अनाज के लिए, वो सब्सिडी विड्रॉ करने को जा रही है, वो 8 लाख करोड़ की है, बाद में कॉर्पोरेट खेती के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के हाथ में खेती तो नहीं चले जाएगी, दूसरा भंडारण के अंदर बिचौलियों को मुक्त करने को जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं एपीएमसी की बाजार खत्म करने को, सरकार से पहले से ही दावे हो रहे हैं। आज सरकार के सभी मंत्री खुल के आए हैं, और लेकिन मैंने दोपहर तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि ग्रामीण भारत जहां किसान रहते हैं वहां पर आंदोलन में स्वयंस्फूर्त किसान शामिल हुए, देखो बहुत बड़ी बात है। मैं भी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में था, मुझे तो बाहर निकलना ही नहीं पड़ा, सभी बाजार बंद कर दिए थे किसानों ने, रास्ते बंद कर रहे थे, तो हम जाके बोल रहे थे कि ये पाठ नहीं है, आप रास्ता जाम मत करो। तो 3 बजे तक ये चलता रहा कि हम घूमते रहे और लोगों को समझाते रहे, लेकिन स्वयंस्फूर्त तरीके से लोगों को लगता है कि सरकार एमएसपी से विड्रॉ होनी चाहती है। देखो एमएसपी तो घोषित करना अलग बात है, एमएसपी पे खरीदना और सरकार का इंटरवेंशन एमएसपी में रहना, जैसे हमारे यहाँ सरकार पहले फेडरेशन से एकाधिकार में खरीदी करती थी, सरकार ने फिर एकाधिकार खरीदी छोड़ दी तो बाजार ये चला गया। अब सीसीआई का इंटरवेंशन है तो हम बचे हुए हैं, नाफेड का इंटरवेंशन है तो सोयाबीन तुअर में बचे हुए, वर्षा फूड कारपोरेशन का पंजाब में 100% इंटरवेंशन है, हमारे यहाँ तो नहीं है, और एमएसपी जो 100% मिलती है जहां वो है गुजरात, अपना पंजाब हरियाणा और सीमांत उत्तर प्रदेश जहां पे गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। जी तो किशोर जी मैं आपके पास आता हूं। हमारे पास सपा विधायक समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी साहब भी जुड़ चुके हैं, अगर इरफान जी हैं तो उन्हें स्क्रीन पर लाया जाए। जी हाँ, हमारे साथ इरफान सोलंकी जी हैं। इरफान जी, बंद सफल रहा, रेलवे ट्रैक पर ट्रैक रोका गया, फोटो ऑफ हुआ, बंद सफल हो गया, किसान नेताओं ने कहा हमें राजनीतिक नहीं करना है, आपने कहा ये हमारा नैतिक समर्थन है, नैतिक के साथ साथ ये सांकेतिक भी हो गया। इरफान जी, तो
जी पूछे जनाब इरफान साहब, आपको मेरी आवाज आई? जी आ रही है। जी जी इरफान जी, मेरा सवाल आपसे था, शायद आप सवाल नहीं सुन पाए। मेरा सवाल आपसे है, रेलवे ट्रैक पर रेलवे ट्रैक बंद किया जाए, सांकेतिक तौर पर तस्वीरें खींची जाए, भारत बंद के रूप में आपकी भी सहभागिता हो जाए, नैतिक समर्थन का नाम दिया जाए और इसके साथ साथ सांकेतिक तौर पर किसानों के साथ खड़े होने की तस्वीर भी पेश की जाए, ऐसा ही कुछ आपकी पार्टी ने भी किया? हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी, उनको धरती पुत्र मुलायम कहा जाता है और उन्हीं के बेटे हैं श्री अखिलेश यादव जी, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी इटावा से आते हैं और उन्होंने किसानी को बहुत अच्छी तरह से देखी हुई है। अखिलेश यादव जी जिनके लगों में माने मुलायम सिंह यादव जी का खून, और हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसान भी हमारे पिता की समान है। हर आदमी, चाहे आप भी हो, आपके भी फोर फादर ने खेती बाड़ी करी होगी, और हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति बीजेपी वाले कर रहे हैं। जैसे इस समय आपके चैनल पे हम मौजूद हैं तो ऊपर आपका लोगो चल रहा है, इंडिया लोगो, ताकि आपके चैनल की एक पहचान हो सके। इसीलिए आदमी अपना अपना लोगो लगाता है और बता सके कि दुख में हम आपके साथ थे, हमने आपके लिए लाठी खाई है, राजनीति नहीं करी है। हमने उनको बताया है कि वो लोग जिन्होंने आपकी मासूमियत का गलत फायदा उठाया था, उन्होंने आज आपको फंसाने का काम करा है, तो हमने उनको आईना दिखाने का काम करा है। एक बात हमेशा याद है कि आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, पर एक बहुत अच्छी सी बात जो मैं अपने जीवन में उतार के चलता हूँ कि आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। ये मैं किसान की तरफ से वो लोगों को बताना चाहता हूँ, वो बीजेपी वालों को, कि उन्होंने किसानों के साथ कितना गलत काम करा है। हमारे अखिलेश यादव जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कल उन्होंने 6 घंटे तक अपनी गिरफ्तारी देके उन किसानों के दर्द को बांटने का काम करा। मेरे भाई ये बात आप जान लीजिए, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम उनकी राजनीति फेल करने के लिए किसानों के साथ कंधे से कंधे इरफान साहब का काम कर रहे हैं। इरफान साहब आपने मेरे साथ लगभग 1 से 1.25 मिनट बात की है, उसमें कम से कम 4 बार आपने अपने पार्टी नेताओं का जिक्र किया है। आपने ये नहीं कहा कि आखिर सरकार को आप किस तरह से दबाव बनाएंगे। किसानों ने आपका समर्थन नहीं मांगा, उन्होंने कहा हमारा ये जो आंदोलन है, जो हमारे अन्नदाता, आपके अन्नदाता, हम सबके अन्नदाता हैं, उन्होंने कहा हमें इसे राजनीति से दूर रखना है, लेकिन सहानुभूति के तौर पर नैतिक मूल्यों के तहत आपने जैसा कि जिक्र किया कि आप लोग साथ है, लेकिन आप इसमें स्तुति किसान की कम और अपने नेताओं की ज्यादा कर रहे हैं। मेरे भाई ये तो आपके देखने का फर्क है, आधा गिलास भरा है आधा गिलास घर खाली है, इसका तय तो आप करेंगे। हमने आपको बताया, मेरे भी पिताजी खेती करते थे तो उनका दर्द मेरा दर्द है, आपके भी बाबा दादा कोई लोग होगा जो खेती से आज भी जुड़े हुए हैं, अगर उनको तकलीफ है, जब भी तो ये मुद्दा आप उठा रहे हो, जब भी तो ये आप चैनल में चला रहे हो ताकि आपको उनका आप अपना समझ रहे हो। इरफान साहब, अगर खेती आपका अपना नहीं है तो आप क्यों उठाओ जी? इरफान साहब आपने खेती का जिक्र किया और आपने जिक्र करते करते पीढ़ियों का भी जिक्र किया, लेकिन चूंकि ये देश का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, भाषा भी चित्त की खेती होती है, जो सियासत भी करती है और पत्रकार भी करते हैं, तो खेती हम रोज करते हैं, जैसा कि आपने अभी देश के सवाल में भी भाषा की खेती की है, चित्त से आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल लोंडे बड़ी बेसब्री से लगातार कैमरे की ओर देख रहे हैं और अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। अतुल जी मेरा सवाल आपसे, महाराष्ट्र में बंद सफल रहा, लेकिन आप जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य, जी हाँ, वो शरद पवार साहब जिन्होंने 2010-2011 में एक चिट्ठी लिखी थी, मुझे पता आप पढ़ लिख कर आते हैं, बीच बीच में भी पढ़ते रहते हैं, मुझे उस चिट्ठी का मजमून जरा समझाइए। देश का सवाल लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, उन्हें भी बताइए कि आखिर 2010-2011 में शरद पवार ने देश के मुख्यमंत्रियों को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या था। ऐसा है मनीष जी कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहीं होती नहीं है,
तो जो विश्वविद्यालय दुनिया को मालूम नहीं है, जो कोर्स दुनिया को मालूम नहीं, उस विश्वविद्यालय में जो पढ़कर आए हैं उन्हें बात का पतंगड़ कैसे बनाना ये अच्छे से मालूम। शरद पवार साहब ने 2003 का जो मॉडल एक्ट वाजपेयी साहब ने बनाया था उस पर 2006 में भी चर्चा हुई थी, 2010 में भी चर्चा हुई, 2011 में उन्होंने कहा था कि एपीएमसी जो है, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमिटीज जो है, उसमें सुधार संशोधन लाने की जरूरत है। तो आप सुझाव दीजिए, ऐसे सारे मुख्यमंत्री जो है उन्हें चिट्ठी लिखी थी, उसमें सुधार की संशोधन की बात की, उसमें एपीएमसी के बारे में सोचने की बात कही थी, उसे खत्म करने की बात नहीं कही। लेकिन ये लोग अरुण जेटली जी ने जो लोकसभा में बात, राज्यसभा में बात कही थी, वो बात नहीं बताएंगे ये लोग। पवार साहब ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका अपने अपने मराठी में आपको पता है धसा मा बहुत फेमस है, धसा मा करने की वजह से छोटे बाजीराव को धरना पकड़ना चाहिए तो उनको धसा मा करके मारना, ऐसा काम जो है वो रविशंकर प्रसाद जी ने जो किया है वो उन्हें शोभा नहीं देता। बात बंद सफल हुआ नहीं हुआ उसकी नहीं है, बात कौन सा राजनीतिक दल राजनीति कर रहा उसकी नहीं है, बात किसानों के समस्या जो है, किसानों के इस कानून के तरफ। अतुल भाई मेरा आपसे आग्रह है, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि पवार साहब ने जो चिट्ठी में लिखा था मंडियों को लेकर, एक मंडी एक्ट को लेकर लिखा था कि एक बेहतर बाजार के लिए वो मंडियां उन्हें स्क्रैप कर देनी चाहिए, जितना मैं समझ पाया हूं दो पन्ने की चिट्ठी थी उसमें 2010-2011 में, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली की बात लाकर आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। मेरा ये कहना है कि मौजूदा दौर में कल जब पवार साहब पांच लोगों के नेताओं का, मुझे ऐसा लगता है सबसे वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता है, कल राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे तो आखिर कैसे कहेंगे कि 10 साल पहले मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, अतुल जी आता हूं क्योंकि पहला दौर है और दो और मेहमान मुझे उनको बहस में लाना है। गोपाल जी, भारत बंद क्या हुआ, आपको लगा कि अब संवाद करना चाहिए, गृह मंत्री जी ने बुला लिया, आओ बात कर लेते हैं, कल छठे दौर की बातचीत है, अब क्या समझाएंगे आप, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है हाँ या ना, यस या नो। देखिए मनीष जी, यस और नो में कभी बातचीत नहीं होती, अगर यस और नो किसानों को करना है तो सरकार की तरफ से यस है, ये कानून अब कानून बन चुके हैं, देश तीनों जो बिल है वो अब देश के कानून बन चुके हैं, और आज की जो रिपोर्ट देखेंगे आप तो पूरी तरह से ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों की अपनी राजनीति है। जहां तक किसानों की समस्या है इन बिल कानूनों को लेकर, हम लोग उनको समाधान करने के लिए तैयार है और अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। अगर 40 संगठन या कुछ 40 लोग जो है किसानों के, जिसमें मेनली पंजाब हरियाणा और कुछ लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, उनकी समस्या अलग है, लेकिन देश में बाकी प्रदेशों में भी किसान है, उन सबसे भी हम मिल रहे हैं और उनसे बातचीत करके बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि सब लोग इन रिफॉर्म्स के साथ हैं, एग्री कर रहे हैं कि ये रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है आप पर, वो तो आप पर ये भी आरोप है गोपाल जी आप पर ये भी आरोप है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान ही मिल रहे हैं। तो ये तो पंजाब की तो प्रॉब्लम है ही, हम तो खुद कह रहे हैं कि जो आढ़तियों का जो 6,000 करोड़ का रुपया जाता है मंडी टैक्स के थ्रू जो उन्हें मिलता है परसेंटेज, वो केवल पंजाब में ज्यादा प्रोक्योरमेंट होता है, देश का 90% प्रोक्योरमेंट पंजाब से हो रहा है गेहूं और धान का, और पूरे देश का 65% प्रोक्योरमेंट पंजाब से हो रहा है और वो आढ़तियों के थ्रू हो रहा है। तो यह कांग्रेस के जो आढ़तियों के साथ गठबंधन है, 6,000 करोड़ का जो किसानों को लूट है उसकी माल बताएं। गोपाल जी मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ और भी दो मेहमान हैं जिन्हें लाना है, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि कल छठे दौर की बातचीत के पहले क्या गृह मंत्री से हो रही बातचीत में कल के लिए समस्या का हल या निदान निकल जाएगा हाँ या ना, ये भी मैं आपसे पूछूंगा। इम्तियाज अहमद अंसारी साहब, सरकार कह रही है कि सरकार तो किसानों के हक में काम कर रही है, आप जैसे विपक्ष किसानों को बरगला रहे हैं। देखिए, ये 13 दिन
तक लगातार आज 13वां दिन है किसानों का समस्या देश में बहुत बड़ा विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है आगे बढ़ कर करके। अभी तक 5 बैठकें किसान नेताओं के साथ, किसान के संगठनों के साथ सरकार कर चुकी है, और अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी किसान के संगठनों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि सरकार बिल्कुल सकारात्मक सोच की ओर बढ़ रही है और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार संकल्पित है और इस समस्या का निश्चित समाधान निकलेगा। इम्तियाज साहब, लेकिन इसके साथ इम्तियाज साहब, अगर सब कुछ ठीक है कि इम्तियाज साहब, अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर किसान सड़कों पर क्यों है, बॉर्डर पर क्यों डटा है? अगर सब कुछ ठीक है, सरकार काम कर रही है, 6 दौर की बातचीत बेनतीजा हो, अगर 5 दौर की बेनतीजा हो रही है, तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं किसान खफा है और लाइन खींच दी गई है, आपको ये कानून रद्द करना है, तो आप फिर दाएं बाएं की तो गुंजाइश ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई देखिए किसान खफा है कि नहीं है ये तो देश देख रहा है। जिस तरह से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसमें मेन राजनीतिक दल जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का भारत बंद के आह्वान को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। जब सरकार पहल कर रही है, सरकार बात कर रही है, तो प्रत्येक बिंदु से बात करने की जरूरत है ना। जहां पे कोई दिक्कत है, कठिनाई है, तो सरकार से बात करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि सरकार बात नहीं कर रही है, सरकार पहल नहीं कर रही है। जब सरकार पहल कर रही है, सरकार बात कर रही है, तो उसमें समस्या का निदान की ओर बढ़ने की जरूरत है। हड़ताल तो इम्तियाज साहब, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि गृह मंत्री से किसानों की मुलाकात के बाद शायद कोई ऐसा समाधान का रास्ता बने। हमारे साथ इरफान साहब भी हैं। इरफान साहब, मुझे पता है आप 7:30 बजे तक हैं। रामपाल जाट साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मेरी मजबूरी है क्योंकि इरफान साहब केवल 7:30 बजे तक के लिए हैं, और मैं आपको जो समय नहीं दे पाया हूं इसकी भरपाई अगले पड़ाव में करूंगा। रामपाल जाट साहब, इरफान साहब, आपको लगता है इस बातचीत से समाधान निकल जाएगा, या किसान जिस तरह से एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कि ये कानून रद्द हो? रहता है आशावादी रहता है किसान, जब जमीन में बीज डालता है तो इस आशा के साथ डालता है कि रामपाल जी, मेरा सवाल इरफान सोलंकी जी से, रामपाल साहब, मेरा सवाल इरफान सोलंकी जी से। इरफान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी इरफान जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपको 7:30 बजे फारिग करना है, मेरा सवाल आपसे है कि आपको लगता है समाधान निकल जाएगा लेकिन किसान अड़ा बैठा है, किसान चाह रहा है कि ये कानून रद्द हो? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो, आ रही है इरफान साहब जी। तो एक बहुत अच्छी सी बात मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि तुमने तो चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे, तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, और तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। ये मैं किसान की तरफ से सरकार को कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने दरियादिली नहीं दिखाई। दरियादिली दिखाते तो हर चीज का रास्ता है, क्योंकि ये दुनिया जीने के लिए है और दुनिया में हर ना का जवाब है। अगर हालात बदलने हैं तो हमें कहीं ना कहीं झुकना होगा, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगा, ये किसान वही किसान है जिनकी औलादे सड़क पे सीमा पे हमारी हिफाजत कर रही है, ये वही किसान है जिनकी औलादे पुलिस में है जो हमारे लिए सुरक्षा का काम कर रही, ये वही किसान है जिनकी औलादे बड़े बड़े पदों पे IAS PCS बन के हमारे देश का नाम रोशन करने का काम करे, ये वही किसान है जिनकी औलाद आप और हम भी है। तो हर चीज का रास्ता मौजूद है, तुमने चाह ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मैं फिर यही बात कहूंगा कि अगर मोदी जी चाह लेते तो आज ये किसान जो पिछले 10, 12, 15 दिन से जो अपने परिवार को छोड़ के
सड़क पे बैठा है, ये आने वाले कल के लिए, आने वाले बच्चों के लिए रो रहा है, ये अपने लिए नहीं लड़ रहा है। इरफान साहब, इरफान साहब, इरफान साहब, सरकारें कोई भी रही हो, सरकारें कोई भी रही हो, किसान को हमेशा ये लगा है कि सियासत हमेशा बात करती है समृद्ध कृषि की, लेकिन ऐसा ठोस कुछ होता दिखाई नहीं दिया। जी हाँ, आप इरफान साहब हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। लेकिन मेरे साथ साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ रामपाल जाट साहब। रामपाल जाट साहब, मैं आपके पास नहीं आ पाया था, पहला सवाल मैं आप ही से लूंगा। किसानों के साथ गृह मंत्री की बातचीत चल रही है, जाट साहब आपको लगता है कि बात बन जाएगी खुले मन से, अगर सरकार यानी कि हुकूमत हिंद गंभीर दिखाई दे रही है तो समाधान निकल जाएगा, लेकिन सरकार भी अड़ी है कि आप लोग जो यस और नो का जवाब मांग रहे हैं वैसे सरकार नहीं मानेगी? सरकार ही अड़ी हुई है, सरकार यदि नहीं अड़े और सरकार लोकतंत्रात्मक ढंग से काम करे, लोक भावनाओं का सम्मान करे, लोक मत को देख कर चले, तो समाधान तो तुरंत निकल सकता है। इसलिए कहावत बता रहा हूं, जहां चाह वहां राह। तो जब चाह हो जाएगी सरकार की तो राह भी निकल जाएगी। अभी समस्या यह है कि सरकार की चाह नहीं है, और चाह नहीं होने के पीछे मुझे जो कारण लगता है, जो इन्होंने अपने अध्यादेशों की पृष्ठभूमि में लिखा, अपने कानून बनाने की पृष्ठभूमि में लिखा कि हम निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं, तो इन्होंने जो कानून बनाए ये धनपतियों को आकर्षित करने के लिए बनाए, और धनपति आकर्षित तब होते हैं जब उनके पक्ष में कानून बने। यदि उनके पक्ष में कानून नहीं बनेगा तो आकर्षित होंगे ही नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई तो हिंदुस्तान का भला करने थोड़ी आई थी, वो तो व्यापार करने आई थी, और व्यापार करते करते हिंदुस्तान पर उन्होंने राज ही कर लिया 250 वर्ष तक। इसलिए ये जो भी कंपनी आना चाहेगी वो अपनी शर्तों पर आएगी, उनकी शर्तों के अनुकूल यदि कानून बनते हैं तो किसान के पक्ष में कभी नहीं हो सकते। इसलिए बीच का रास्ता कोई हो ही नहीं सकता, एक ही रास्ता है, इन विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो कानून सरकार ने बनाए उनको जितना जल्दी हो उतना जल्दी इनको वापस कर ले। रामपाल जाट साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल और मैं चाहूंगा कि आप छोटा जवाब दें। सवाल यह है कि ये जब कहा गया था आंदोलन शुरू हुआ ये गैर राजनीतिक होगा, लेकिन आंदोलन में आज कई सियासी झंडे भी दिखाई दिए, कई राजनीतिक लोग और उसके साथ साथ उनके झंडे वहां पर लिए, उनके कार्यकर्ता आंदोलन में दिखाई दिए। रामपाल साहब, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसकी सावधानी रखेंगे। आपने जो इसके माध्यम से अपनी बात कही ये हमको ताकत दिलाने वाली बात है, हमको सावधान करने वाली बात है, तो हम सावधान रहें इसके लिए। आगे भी इसी ढंग के आप प्रश्न के माध्यम से हमको सुझाव देते रहेंगे तो हम आगे तो ठीक रखेंगे। और हम चाहेंगे किसी भी राजनीतिक नेता या किसी भी राजनीतिक दल का रंग इस किसान आंदोलन पर प्रभाव नहीं करे, ये उनसे प्रभावित रखे। जाट साहब, आपने साफ कर दिया कि कोई भी सियासी दल इस आंदोलन में कूदने की कोशिश ना करे। मेरे साथ किशोर तिवारी जी हैं। किशोर जी, पिछले कुछ समय से लगातार आपकी अपनी पहचान तो एक किसान नेता के रूप में है, लगातार आप जिस तरह से पैरवी करते आए शिवसेना की, तो अब जो मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए किसान नेता के रूप में पूछूं या शिवसेना का पक्ष रखने वाले किशोर तिवारी के रूप में? मैंने किसान नेता के बीच में पूछिए जी, क्योंकि मैं किसानों से वफादार रहूंगा हरदम। जी 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 किशोर जी, मेरा सवाल आपसे, मेरा सवाल यह है कि किसान अड़े हुए हैं, हाँ या ना, यस और नो में सरकार जवाब दे, उससे कम में कुछ मानने को तैयार नहीं, बातचीत जारी है, सबको इंतजार है, आपका क्या मानना है कि ये जो मांग है यस और नो वाली की कानून रद्द किया जाए, ये जायज दिखाई देती है आपको? नहीं नहीं, सुधारों के पक्ष में तो रहना चाहिए, लेकिन सुधार अगर किसानों के हित में नहीं है और किसानों को शंकाएं हैं, तो सरकार के जो भी लोग कह रहे हैं कि ये आम दुगनी करेगा, खेती में निवेश लाएगा, संगठित कृषि करने से क्रांति आएगी, तो
किसान इसको मान नहीं रहे। जिस ढंग से बीजेपी के सब लोग पैरवी कर रहे हैं, जैसे कई और भी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि किसान का जो बंद था वो फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे दोपहर के अंदर ही जब संकेत आ गए कि सारे भारत से आंदोलन में लोग शामिल हो गए, तभी तो गृह मंत्री ने डायरेक्ट एंट्री कर ली, नहीं तो वो पीयूष गोयल और नरेंद्र जी तोमर के थ्रू ही कर रहे थे। अब ये बात है कि सरकार की किरकिरी ना होते हुए कानून में प्रावधान से मान जाए, इसका प्रयत्न चालू है। अगर कल ये बात नहीं होती है तो मुझे लगता है कि सरकार सस्पेंड करके लार्जर कंसल्टेशन के लिए छोड़ रही है। लेकिन सरकार को लगा नहीं था कि किसान नेता भी इतने सशक्तता के साथ उनसे भिड़ जाएंगे। और बीजेपी की सत्ता आने के बाद या मोदी जी के 6 साल में पहली बार ऐसा हो रहा कि मोदी जी को झुकना पड़ रहा, जिसका कष्ट उनको भी है। जी, और जी, 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 को किशोर भी है। जी किशोर जी, इस समय जरूरी है कि अन्नदाता जिन मांगों को लेकर बैठा है उसमें समाधान निकले, चाहे संशोधन के जरिए या सरकार कोई और रास्ता बनाए। अतुल लोंडे, अतुल जी मेरा सवाल आपसे है कि सरकार कह रही है कि हम मंडी के चंगुल से किसानों को मुक्त करा रहे हैं, और आपकी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप है कि किसानों के कंधों पर आपकी सियासी बंदूक है, आप किसानों को बहका रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। सरकार तो किसानों के हक के लिए काम कर रही है। ऐसा है कि अंग्रेजों ने भी यही कहा था, जो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा कह रही है तो उसका हमें कोई इल्म नहीं है। जो उनको कहना है, उन्होंने खालिस्तानी भी कहा, आतंकवादी भी कहा, कुछ लोगों को मिलकर आंदोलन में फूट डालने की भी कोशिश की, वो उनकी फितरत है, वो करते रहेंगे। लेकिन मैं दो लाइन पढ़ के आपको पवार साहब के खत का जो है दो लाइन पढ़ के जो कंफ्यूजन हुआ है सबके मन में वो दूर करना चाहूंगा। इन दिस कंटेक्स्ट देयर इज अ नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइन्स ऑफ मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 इन ऑर्डर टू एनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग अल्टरनेट कंपीटिंग मार्केटिंग चैनल। बताओ मुझे यहाँ पे एपीएमसी खत्म करने की बात कहाँ कही है पवार साहब ने? तो ये बात मुझे स्पष्ट करने मैंने कही थी आपको छोटे शब्दों में, लेकिन मुझे ये खत पढ़ के ही दिखाना जरूरी लगा, क्योंकि देश नहीं, नहीं अतुल जी आपने बहुत अच्छा किया। अतुल जी किसानों को जो डर है मैं आपको बताता हूँ, आप भी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मुझे पता है आप तेज तर्रार हैं, लगातार रिसर्च करते रहते हैं। उसमें जो लिखा है किसानों की जो समस्या है वो ये कि प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, कॉरपोरेट प्लेयर्स आ जाएंगे, यही चिंता तो पवार साहब ने कही थी, और उन्होंने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो प्राइवेट प्लेयर्स लाने होंगे। बात को मैं सीधी तरीके से रखता हूँ मनीष जी, उसमें बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कोल्ड स्टोरेज की है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस की है, मार्केट किसानों को अच्छा मिलने की बात है। कांग्रेस ने भी यही बात कही थी कि बड़े विलेजेस और छोटे विलेजेस का क्लस्टर बना के वहां पे भी एपीएमसी बनाई जाए, ताकि किसानों को अपना माल जहां बेचना है बेचने की बात हो। जी अतुल जी, अतुल जी क्योंकि आखिरी पड़ाव है देश के सवाल का, बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी हैं। अतुल जी गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, वो आपको जवाब देंगे। गोपाल जी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं पेशे से, और आपसे सवाल है, अतुल लोंडे ने कहा है कि उनके मुताबिक अगर किसान वहां पर आंदोलन करें तो आप उन्हें खालिस्तानी कह देते हैं, कॉलेज में अगर युवा आंदोलन करें अपनी हक की बात करें तो आप उन्हें आतंकी करार देते हैं, महिला अगर सड़कों पर यानी कि शाहीन बाग में महिला थी तो आपने पाकिस्तानी से जोड़ दिया, ऐसी सूरत में एमएसपी को लेकर बात है, अगर आप चाहते हैं कि यह मसला हल हो तो लिखित में आप देंगे क्या? दूसरा, जो शरद पवार की चिट्ठी को लेकर आप लोग लगातार जो बवाल मचा रहे हैं, अतुल लोंडे की नजर में 10 साल पहले लिखी गई ये चिट्ठी के मायने कुछ और थे। गोपाल जी देखिए, दो तीन बातें जो हमें समझना चाहिए। पहले तो शरद पवार जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें वैकल्पिक मार्केट की बात है, स्पष्ट रूप से एपीएमसी को अमेंड करना है और वैकल्पिक मार्केट को एस्टेब्लिश करना है। हमने तो एपीएमसी को खत्म नहीं कर रहे, हमने तो वैकल्पिक मार्केट वाली बात की है। तो हम कोई शरद पवार जी के कहने से ये कर रहे हैं ये बात नहीं है। हम लोग केवल ये कह रहे हैं कि आपका विरोध राजनीतिक है ना कि प्रिंसिपल। गोपाल जी, इतनी बात है। अतुल जी आपको रोकना चाहूंगा। अतुल जी, गोपाल जी,
अतुल जी, गोपाल जी, गोपाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा कि शरद पवार के कहने पे आप लोग नहीं कर रहे, लेकिन आपको याद होगा बारामती के एक कार्यक्रम में, बारामती पुणे के पास, प्रधानमंत्री ने कहा था कि पवार साहब मेरे गुरु हैं। उनकी उंगली पकड़ के मनी जी शरद जोशी ने जी का आप जो शेतकरी संगठन है उसकी रिपोर्ट आप देख लीजिए, इतने सालों से किसानों के बीच में उन्होंने पूरे देश में और महाराष्ट्र में खासकर काम किया है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह से किसानों को ध्वस्त कर रही है, किसानों के खिलाफ है, हमें बाजारों को खोलना है। पार्लियामेंट कमेटी की 62वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो ये कंटेंट की बात नहीं करेंगे, यह बेकार की बातें करते हैं अतुल जी, किशोर जी, और ना ये किसानों के हुए ना देश के, किशोर जी हिंदुओं की बातें करते थे शिवसेना में, उनके तो हुए नहीं, अब ये किसानों के क्या होंगे। आज के इसलिए स्पष्ट है कि यह राजनीति घुस गई है। हमने कभी नहीं कहा कि ये किसान जो है ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी इस आंदोलन में घुस के उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसकी आशंका दिखाई है। और जिसको दिल्ली पुलिस ने एनआईए ने पकड़ा है वो पूरे 5 आतंकवादियों को और K2 प्लान की पूरी बात की है। तो ये कोई नहीं कह रहा कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे, किसानों को बदला रहे पॉलिटिकल पार्टी और इस आंदोलन का, उनकी असमंजसता का फायदा उठा रहे हैं विदेशी ताकतें और खालिस्तानी जैसे अलगाववादी ताकतें। यह बात इस तो जेएनयू के आंदोलन से ना मिला है, वहां पे तो वो पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े गए हिंद आजादी वाले, वह तो बहुत बड़े पैसे का मामला है, किसानों को तो बरगलाया जा रहा है, केवल इतनी बात करें। और यह एक लिमिटेड सेक्टर के बात है, केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को नुकसान है, पूरे देश में। तो आज पूरी व्यवस्था किसानों के हित में या नई व्यवस्था आ रही है, एपीएमसी को हम खत्म नहीं कर रहे, एमएसपी को आपने पूछा हम लिख के दे रहे हैं, तैयार है कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या चाहिए कंटेंट? अतुल जी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के मुताबिक सीधे तौर पर आपको आपका उत्पाद, आपकी उपज जहां बेचना है बेचो, लेकिन एपीएमसी की मंडी पर ताला नहीं लगेगा। गोपाल जी आपने यही कहा है, ये कहा है, लिख के दे रहे हैं, एमएसपी को भी लिख के दे रहे हैं। और यह पूरे इम्तियाज अहमद अंसारी साहब, इम्तियाज साहब अब आपको लगता है कि रास्ता खुल जाएगा, रास्ता निकल जाएगा? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से केंद्र सरकार का किसानों के प्रति सकारात्मक रवैया है, और जिस तरह से आज देश के माननीय गृह मंत्री जी की पहल हुई है, किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, तो ये देश का प्रमुख मुद्दा है, किसानों का समस्या देश का समस्या है, सरकार की सकारात्मक आखिरी पड़ाव में मुझे रामपाल जाट साहब से ये बहस खत्म करनी है। रामपाल साहब, आपको लगता है सरकार किसान नेताओं या यूनियन के बीच फूट डालने में कामयाब हो गई है? मनीष जी, सरकार किसान नेताओं के बीच में फूट डालने का कितना भी प्रयास कर ले, ये हमेशा सरकारों की रणनीति होती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगी। किसान एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और सबसे बड़ी जो ताकत है, जो हमारा कॉमन किसान है, जो नीचे बैठा किसान है, उसका मन इन मुद्दों के साथ है। इसलिए जब तक सामान्य किसान का मन मुद्दों के साथ है, रामपाल साहब आपकी एकजुटता पर मुझे ऐसा लगता है कि सारे किसान नेताओं और करोड़ों किसान जो इस समय टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर उनके नेता सरकार से क्या बात कर रहे हैं, और जो बातचीत हो रही है क्या उसमें उनका हित है क्या। देश का सवाल में मुझे आज खत्म करते करते दुष्यंत की वो लाइनें याद आती हैं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, बातचीत जारी है, समाधान का इंतजार है। देश का सवाल में आप लोग सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।